बात आती है, उस नेगेटिविटी में वो काम करना, कभी मेरे पास आते हैं कि हम यहाँ कैसे इस हालात में काम करें। एक लेडी डॉक्टर है, उस पर अगर सोशल मीडिया में कि ये एक फला पेशेंट मर गया, इसके ये सबब था और यहाँ बच्चे मर रहे हैं, इसकी नेगेटिविटी से डॉक्टर जो दिन रात काम कर रहे हैं ना, वो डिसहार्ट हो रहे हैं। हाँ, एक्चुअली कोई बात है, आप बिल्कुल हाईलाइट करें, लेकिन एक स्पेसिफिक आप डेट के रेशो को कम कर सकते हैं, जितनी भी आप फैसिलिटी लेके उसको कम कर सकते हैं, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। आगा खान में भी ऐसे नहीं है, जितनी आप आगा खान में अच्छी फैसिलिटी है तो वहाँ डेट रेशो भी है, वहाँ की आप नर्सरी लें तो वहाँ भी आपको डेट रेशो तो मिलेगा। ऐसे नहीं है कि किसी भी नर्सरी में बिल्कुल डेट रेशो नहीं होगा और यहाँ ऐसे तो नहीं है ना, तो इसको थोड़ा सा देखने जैसी बात जरूर है। मगर उसके बाद सर मसला ये है यहाँ पर कि जो हम हमारा मेरा शो में 14 दफ़ा आया काफ़ी आएंगे तो मगर यहाँ के जो जो 3 लोग हैं उनका एस्पेक्ट जो है वो चेंज नहीं कर पा रहे आप लोग, उसकी क्या वजह? वो सेटिस्फाइड नहीं होते, इवन हमें फील होता है। अभी सर यकूब साहब देखें इस उम्र में भी इतना हमसे ट्रैवल करते हैं, 2 दफ़ा आए तो हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। अभी अभी रिसेंटली हमने हम देख रहे हैं कि बहुत हर बहुत बदल हुई है, हम नगर पालिका हम गए नगर पालिका तक गए तो, मगर जो आवाम है जो यहाँ के लोग हैं उनकी सोच नहीं बदल रही, वो अनसेटिस्फाइड है, मतलब कहीं नज़र नहीं आते, उसकी क्या वजह है? आप उसमें भी देखें, मैं आवाम के हवाले से आपको 2 दिन में ये मालूम नहीं हो सकेगा कि आवाम सेटिस्फाई है या नहीं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर मानूंगा कि जितना काम हुआ है यहाँ उसको जितना एक्सप्लाइट हमें करना चाहिए, कर भी रही है लेकिन हो नहीं रहा, या उसमें हमारी कोताही हो सकती है क्योंकि काम बहुत हुआ है, उसमें एक्सप्लाइट करने के हवाले से भी हमारा भी काम है, लोगों का भी काम है, उसमें हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे यहाँ की आवाम कुछ नहीं है, आपका क्वेश्चन ये कि आवाम इतनी खुश नहीं है, लेकिन कैसे? देखें, 5 साल पहले मैं पानी के हवाले से ले रहा हूँ, उसको कहीं भी मीठा पानी नहीं मिल रहा था, अभी 4-5 साल में सपोज 400 ही गाँव में उसको मीठा पानी मिल रहा है, तो 400 गाँव में तो खुशहाली है, उन लोग 400 गाँव में वो उनको तो कभी मीठा पानी नहीं मिल रहा था, खारा ही पानी था, अभी उनको मीठा पानी पीने के लिए मिल रहा है। मतलब ये चीज मतलब है ना, ये तकरीबन ऐसे 1300-1500 गांव होंगे विलेजेस, जो मैं 8-9 साल की बात करूंगा, जिसमें उनको एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से रोड का एक्सेस हुआ, वो पहले तो नहीं था, वो पहले तो यहाँ ही मिले, उनको सड़कें बनी हैं। 1300-1500 विलेजेस में अगर सड़कें मिली हैं उनको तो यही, वो तो हमने भी फील किया, हमने वो लोग का वो आपको कैसे मालूम है? वो लोग नहीं कहते होंगे कि हमें ये फायदा नहीं हुआ, सिंपल लगा रहा है कुछ लोगों से मिलते हैं वो नहीं तो हरपालकर इतना रिमोट एरियाज है, पावर्टी है, ये तो हम मानते हैं, अवेयरनेस नहीं है, जहाँ इतनी रिमोटनेस है, इतनी अवेयरनेस की कमी है, इतनी गुर्बत है कि उसको जितना आप काम करें वो थोड़ा है, लोगों सबका तो काम नहीं हुआ। मैं ये कहूँगा कि ये आप 15-20% काम हुआ होगा, बाकी 80-90% काम करने की ज़रूरत है। आप अंदाजा लगाएं, मैं मतलब पीपुल्स पार्टी का हूँ, पीपुल्स पार्टी के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं 2000 के बाद की बात करता हूँ। 2000 में मुशरफ का दौर आया, अरबाब का यहाँ दौर आया, पीपुल्स पार्टी का भी दौर आया, मैं कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहा, मैं 2000 के बाद की बात करता हूँ। थरपा करके पहले आप 2000 से पहले मुझे मालूम नहीं है कि आप कितने लोग होंगे जो यहाँ आए होंगे। 2000 से पहले हमारा मिट्टी तक एक्सेस नहीं था, मिट्टी पे रोड नहीं था, नोकोट मिट्टी कटा हुआ था, नोकोट मिट्टी का अगर रोड नहीं था तो ये समझिए कि पूरा छप्पा था, पूरे मुल्क से कटा हुआ था। तो 2000 कितने साल, 17 साल हो गया, 17 साल में यहाँ रोड आना शुरू हुआ है, पहले यहाँ कंसेप्ट था, मतलब इस्टेब्लिशमेंट का ये कंसेप्ट था कि थरपाकर जो है इसको बाउंड्रीज जो है बॉर्डर की लगती हैं और यहाँ रोड नेटवर्क के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की वर्बल, ऐसे रिटर्न में नहीं, वर्बल ये था कि यहाँ रोड नेटवर्क नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। हमारा अमृत के हवाले से मुशरफ से कितना भी हो, लेकिन मुशरफ ने ये आइडिया ज़रूर दिया था
कि नहीं रोड नेटवर्क होना चाहिए। 2000 में उन्होंने बिल्कुल इस बात को ट्रायल किया कि यहाँ नेटवर्क होना चाहिए। वहाँ से ये डेरा जैसे था, डेरा सिस्टम शुरू हुआ तो उसमें रोड बनना शुरू हो गई, एक परमिशन मिल गई उसमें, मतलब बड़े बड़े रोड है उनकी NOC मिल गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। फिर जो भी गवर्नमेंट है अपना ऐसा डाला, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल जा सकती थी। और रोड नेटवर्क विलेजेस में ज़्यादा विलेजेस में एक्सेस हुई है, तो ये 8-9 साल में हुई है, 1300-1500 गाँव में अगर एक्सेस हुई है ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये 15-17 साल में थरपारकर की आप डेवलपमेंट के हवाले से समझें कि 17 साल में बहुत डेवलपमेंट स्पीड हुई है। बाकी काम करने की गुंजाइश के हवाले से यहाँ, मतलब आपने देखा है कि ये कैसे हालात हैं यहाँ, आप पूरी पाकिस्तान की बजट लगाएं वो भी कम है, लेकिन ऐसे तो बहुत